Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. खाली पेट रहकर इन भ्रष्ट चिकित्सकों का कुछ नहीं हो सकता। बेहतर होगा कि खा पीकर डटकर इनके खिलाफ अपना अभियान जारी रखा जाए, लेकिन दूसरे तरीके से। यह संदेश देते हुए आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आमरण अनशन पर बैठे अतुल प्रधान से अनशन समाप्त करने की अपील की। साथ ही उन्हें पार्टी अध्यक्ष का यह निर्देश भी सुनाया कि वह अब भ्रष्ट चिकित्सकों के खिलाफ चलाए जा रहे आंदोलन को जारी रखें, लेकिन अपने स्वास्थ्य के साथ इस तरह खिलवाड़ न करें। आपको याद होगा कि निजी अस्पतालों की लूट के विरोध में आज आंदोलन के 8वें दिन अतुल प्रधान ने कमिश्नरी में महापंचायत का आह्वान किया था। महापंचायत में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, जबकि बड़ी संख्या में समर्थकों को शहर के भीतर पुलिस ने प्रवेश नहीं करने दिया। महापंचायत के दौरान अतुल प्रधान व अन्य वक्ताओं ने बताया कि उन्हें क्यों भ्रष्ट चिकित्सकों के खिलाफ आंदोलन करना पड़ा। पार्टी अध्यक्ष के निर्देश व प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान व जिला प्रशासन के 30 दिन में कोई समाधान निकाल लेने के आश्वासन पर विधायक अतुल प्रधान ने अपना आमरण अनशन स्थगित करने की घोषणा कर दी। इस घोषणा से IMA, न्यूटीमा, पुलिस व प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली है। दरअसल गढ़ रोड स्थित न्यूटीमा हॉस्पिटल में एक मरीज की हिमायत में पहुंचे सपा विधायक ने दवा व इलाज के नाम पर अनाप शनाप बिल बनाने व प्रेस्क्राइब की गई दवाओं के नाम की बजाय कोड में नाम लिखने का आरोप लगाते हुए हॉस्पिटल निदेशक डॉक्टर संदीप गर्ग से बात की थी। बाद में हॉस्पिटल की तरफ से विधायक समेत करीब 40 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा दी गई थी। इस पर 4 दिसंबर को विधायक अतुल ने कलेक्ट्रेट में आमरण अनशन शुरू कर दिया था। चिकित्सकों की मांग पर विधायक ने अपनी संपत्ति कहते हुए सार्वजनिक कर दी थी कि अब इस खेल में लिप्त चिकित्सक भी अपनी संपत्ति सार्वजनिक करके दिखाएं। विधायक के इस आंदोलन के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी जुलूस निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया था। अवैध बिल्डिंग में चल रहे न्यूटीमा हॉस्पिटल के एक भाग को MD ने सील करने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने मिलने के कारण सीलिंग नहीं हो पाई थी। इस बीच न्यूटीमा हॉस्पिटल को हाईकोर्ट से 1 माह की राहत मिल गई थी। अब रुख करते हैं आज कमिश्नरी के सामने हुई महापंचायत की ओर। दूसरा था कि ये पहले एक बार परामर्श शुल्क लेने के बाद या कई दिनों तक मान्य रहता था, परंतु जितनी बार मरीज डॉक्टर के पास जाता है उतनी बार उसको फीस देना पड़ता है। इस व्यवस्था को खत्म किया जाए, इसके लिए भी शासन को संदर्भित किया जा चुका है। मैं कॉपी विधायक जी को दोहरा दूंगा। तीसरी थी कि पिछले कुछ समय में अकूत संपत्ति अर्जित करने वाले निजी अस्पतालों की जाँच की जाए। इसकी जो भी किसी की शिकायत प्राप्त होगी और सक्षम अधिकारी से या सक्षम स्तर से उसकी जांच कराई जाएगी। डॉक्टर्स द्वारा कंपनी बनाने और दवाइयों के किए जाने और फर्जी पते पर कंपनी चलाने की जांच कराए जाने हेतु शासन स्तर से कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजा जा चुका है। माननीय विधायक जी से मैं बताना चाहूँगा, ये 12 माह जिसपे हम लोगों ने वो किया, जो भी हमारे शासन के स्तर पर जो भी संभव था, जो हमारे स्तर से था, उस पर कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी। वजन तोड़ने की ये सारे पत्रकार खड़े 22 किलो बता दे, 122 किलो बता दे। मैं भैया देता हूँ इन साल इनकी व्यवस्था कम से कम इक्विपमेंट तो ठीक कराओ। विधायक के द्वारा सुनो, एक विधायक की आप जांच करने जा रहे हो, आप पे वजन तोड़ने की मशीन ठीक नहीं, आपका शुगर जो नाप पे उसकी मशीन ठीक नहीं, एक ने तो मेरे ऐसा इंजेक्शन लगाया मतलब वो खून निकाला
खून को जैसे इन्होंने निकाला सुई को, वो वहां गद्दे पर जो है कम से कम 50 बूंद वहां एक धक्कन गद्दे पर गिर गया। नगर परिषद देख गई है भाई, खून का ऐसा किसी के नाम नस्ता कर करवा तो सारे बैठे तोड़ दे। नहीं मानने तो बताओ ऐसी हुआ बैठे तो सीएमओ होने से बता दे। इन्होंने पहले नु कह दी वो तो अतुल प्रधान में तो अमन चंद के लक्षण था, फिर दूसरे दिन कह दे तो फिर टोन बढ़ गया इसका। भाई नु बताओ कौन से सही मानना है, मैं तो बैठा हूँ वहां भूगड़ताल पे, अखबारों ने खबर लिख दी, विपक्षी लोग नु कह ले बात तो, पर मैं तुमसे पूछ के बैठा था, मैं अपनी मर्जी से बैठा था, अपने अपनी मर्जी से बैठा था, जनता के लिए बैठा था। यहाँ पत्रकारों से वार्ता करते हुए सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यह कहा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश भी है और हम सबका अनुरोध है कि जो निजी अस्पतालों में लूट है या किसी तरीके की लूट है, इस पर जो अतुल प्रधान जी ने आंदोलन किया है, ये आंदोलन आमरण अनशन न करें, अपनी लड़ाई जारी रखें, लेकिन आमरण अनशन आप स्थगित कर दें, बंद कर दें, यही अनुरोध करने आए हैं। और पूरा भरोसा है अतुल प्रधान जी पर कि वो अपनी लड़ाई को दूसरे तरीके से लड़ेंगे, लेकिन आमरण अनशन आज बंद करें, हमें भरोसा है वो अपना आमरण अनशन बंद करेंगे। हम सराहना करते हैं अतुल प्रधान के साहस की, हिम्मत की, कि प्रशासन के उत्पीड़न के बावजूद जन समस्या के लिए, जनता की समस्या के लिए उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला और लगातार एक हफ्ते से ज़्यादा वो भूखे प्यासे बैठे हैं, हम उनके साहस की सराहना करते हैं। हमारी सरकार में मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुलायम सिंह यादव जी या अखिलेश यादव जी ने करके दिखाया है, सस्ती दवा, इलाज अच्छा, ये करके दिखाया है। और जब भी कभी मौका मिलेगा मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई, मुफ्त पढ़ाई होगी। और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, विधानसभा में नेता विरोधी दल माननीय श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर अपने साथी नेता विरोधी दल रहे विधान परिषद के संजय लाठर जी, उदय प्रताप जी के साथ मैं बहादुर विधायक अतुल प्रधान जी से अनुरोध करने आया हूं कि आपने जिला मेरठ में महात्मा गांधी के प्रतिमा के नीचे महात्मा गांधी द्वारा दिए गए सिद्धांत के तहत सरकार या परिवार जब किसी बात को अनदेखी करता है और उसके नीचे गलत कार्य होता है तो हमारे जनप्रतिनिधि या समाज सेवी या परिवार के लोग आंदोलन करते हैं। वहीं विधायक अतुल प्रधान का यह कहना था, देखिए लोकतंत्र में हम लोग विपक्ष में हैं, मुख्य विपक्षी दल का मैं सदस्य विधायक हूं और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी सहित आज तमाम दलों के साथी, किसान संगठनों के साथी हमारे साथ यहाँ पर आए हैं। मैं सर्वप्रथम मेरठ और आसपास की जनता का, सदने के अपने सभी आवाम का और पूरे के पूरे मेरठ का, चाहे हस्तापुर के हों, किटोट सब के हों, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ जो आज विपक्ष में भी जो उन्होंने मुझे ताकत देने का काम किया। और ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है जिसको लेकर हमने सदन से लेकर सड़क तक और सड़क से सदन तक आवाज़ उठाई है, मैं इसको लगातार उठाऊंगा। 30 दिन का जिन्होंने मांगी रखी हैं उनका प्रस्ताव जो रखा है, मैं आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी विधान परिषद के सदस्य हैं संजय लाठर जी हमारे यहाँ पर हैं, मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं खुद इसका बिल लेके आऊँगा कि डॉक्टरों की फीस सरकार का उस पर क्या जवाब आएगा वो पता चलेगा, 200 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सरकार को ABC जिस तरह फ्रांस में और दूसरे स्टेट्स में मरीजों की संख्या तय है, 20 देखते हैं, 25 देखते हैं, इस तरह से तय होनी चाहिए, कैटेगरी में डॉक्टर बटने चाहिए और 500 रुपये से ज़्यादा किसी भी सीनियर डॉक्टर की फीस नहीं होनी चाहिए, 200 रुपये जूनियर डॉक्टर और फिर उसी स्लैब में, 3 स्लैब में ABC में 500 रुपये लास्ट फीस होनी चाहिए जिससे लोगों का परेशानी दिक्कत खत्म हो सके। और मैं डॉक्टर साहब साथियों से भी कहूँगा कि जाने अनजाने में कोई ऐसी बातें निकली हो भावुकता में, किसी का हमारी वजह से दिल दुखा हो, तो ये अच्छे किसी भी डॉक्टर का दिल दुखाने का हमारा प्रश्न नहीं है, हमारी लड़ाई व्यवस्था में जो गलत लोग बैठे हुए हैं उनके खिलाफ है, जारी रहेगी और इसके बाद आंदोलन अस्पतालों के साथ साथ
ये जो प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, जो मानकों को नहीं मानते, इससे आगे का आंदोलन उसका हम लोग मेरठ में और मेरठ की धरती से सदन और सड़क पे करेंगे। इनका आदरणीय अधिकारी सब लोग आए, उन्होंने समय मांगा है, जो व्यवस्था रखी है, जो वादे हुए हैं सब आपके सामने इसलिए बुलवाया, पत्रकार साथियों सब आपके सामने इसीलिए बुलवाया जिससे कोई इधर उधर ना जाए, उन्हीं से बुलवाया, क्वेश्चन भी उन्हीं से आंसर भी। तो मैं 30 दिन में अगर ये चीज़ अगर 30 दिन तक हमारे लोग निगरानी करेंगे और अगर 30 दिन तक नहीं की तो आने वाले समय पर फिर पुनः सारे साथियों, चढ़ूनी जी आए हैं, हमारे विदुर भाटी जी हैं, अलग अलग संगठनों के साथी यहाँ पर मंच पर हैं, हमारी पूरी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, सब लोगों के साथी आए हमारे साथ, बहुत पूर्वांचल के साथी, मैं बहुत सारे लोगों का नाम इसलिए ले पा रहा हूँ, नाम ज्यादा हो जाएंगे, अनशन में बैठेंगे अगर मांग पूरी नहीं हुई। देखिए मैं देखिए लड़ाई जो है ये व्यवस्था बदलने की है, मैं भी ये नहीं कह सकता कि क्योंकि पार्टी कई बार लोग मना करते हैं भूख हड़ताल मत करो, लेकिन मैंने देखा कि भूख हड़ताल करने के बाद में लोगों में बड़ी जागरूकता थी, हर दिन लोगों के मन में यह था कि क्या होगा कल, और अभी लड़ाई तोड़ना तमी है भाई, अगर हम जितने बंदे हैं सब क्यों लोग दल के साथियों, जितने बंदे अगर हम हैं तो ये तो लड़ाई तो चलेगी, तो मैं आप पत्रकार साथियों का भी हाथ जोड़ के, ये भावुकता पता किस चीज़ की है, ये अपने लोगों को देख के भावुक होता है आदमी, जब अकेला रहता है नॉर्मली भावुक जब नहीं होता, जब अपने लोगों का प्यार देखता है, नज़दीकी देखता है, जो लोग आपके लिए प्यार कर रहे हैं आपसे नज़दीकी मान रहे हैं, ये विपक्ष है सरकार नहीं है, विपक्ष में सरकार के पहरे के बावजूद, पुलिस के गांव-गांव घूमने के बावजूद, अगर यहाँ हजारों हजार लोग इकट्ठा हुए, ट्रैक्टर लेकर आए, बहुत सारे लोग 5-5 किलोमीटर चल के आए, 5-5 किलोमीटर, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आगे कम से कम धरने को मजबूत किया, तो मैं आप सब साथियों का आभार व्यक्त करता हूँ। आमरण अनशन स्थगित होने से पूर्व कुछ ऐसा माहौल महापंचायत के दौरान देखने में आया। ये बच्ची वो है, मैं आपको पत्रकार साथियों को बता दूं, जो नोटिमा में थी, ये हमारे मलखान सिंह जी विजूस पिएंगे, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी मलखान सिंह जी को पिला, हमारे राजकुमार देदवा जी भी उनसे पास उसपे ढोकर डाल दिया, आदरणीय चौधरी जी आ जाओ भाई, सांस लगा दिया पीछे से लाला जी, इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी, नमस्कार।